हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आ गई फिर से एक और टिफ़िन रेसिपी लेके जो बहुत टेस्टी बनती है। आप मेरी वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखें, आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप कर जाते हैं और फिर कई चीज़ें छूट जाती हैं जिससे फिर रेसिपी अच्छी नहीं बनती है। ये देखिए, एक कप मूंग धुली दाल मैंने रात को भिगो दी थी, क्योंकि मैं नाश्ते में भी इसे ही बनाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ी दाल ज़्यादा भिगोई है। इसे 5-6 बार अच्छे से मैंने धो लिया है, अच्छे से ज़रूर धोएं, और इसे हम मिक्सी जार में डालकर पीसेंगे। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको मेरी सारी टिफ़िन रेसिपी कैसी लग रही है ये भी बताएं, और आपने ट्राई की या नहीं ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करें। और ये देखिए, सारी दाल मैंने मिक्सी जार में डाल दी, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, हमारी दाल पीस गई है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आपको मेरी कौन सी रेसिपी अच्छी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि टिफ़िन रेसिपी में से कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ये देखिए, सारी दाल हमने इसमें निकाल दी है। ये देखिए, एकदम गाढ़ी है ये। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी, इससे हमारा नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनेगा। और 1 चम्मच भर के हम डालेंगे बेसन, और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, एकदम अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टिफ़िन रेसिपी 1 वीक की दूंगी, अब 1 वीक पूरा होने वाला है। आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए ला सकूं। हमने बैटर को साइड में रख दिया, अब हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। हम इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं। देखिए, पनीर ग्रेट कर लिया, इसमें हम डालेंगे कुछ सब्ज़ियाँ, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे गाजर, प्याज और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, सब कुछ हमने बारीक बारीक काटा है। और इसके अंदर हम डालेंगे धनिया और हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, हरी मिर्च नहीं खाते हो तो ना डालें। इसमें मैंने डाल दिया नमक और काली मिर्च। आपने हरी मिर्च नहीं डाली तो लाल मिर्च डाल दें। प्लीज़ सॉरी, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, सुबह की बहुत जल्दी जल्दी में बनती है ये रेसिपी। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, और हम अपने बैटर में भी मसाले डालेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और नमक और थोड़ी सी हल्दी। कल मैंने दाल मखनी और आटे से बनने वाले नान की रेसिपी शेयर की थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं नान, और मैदा वगैरह भी नहीं होता, आटे के होते हैं और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और देखिए, बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें अगर ज़्यादा गाढ़ा हो तो। ये देखिए, एक तवा लिया, उस पर हमने तेल लगा दिया, और 1.5 करछी इस पर डाल के इस तरह से फैला देंगे। हल्का मोटा फैलाएंगे, बहुत पतला नहीं करेंगे, और मोटा भी ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और इसे सूखने से पहले ही फटाफट से हम इस पर अपनी फिलिंग फैलाएंगे, और हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से इस पर चिपक जाए। ये देखिए, इस तरह से चिपका दें। जब मैंने रेड सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर की थी तो सबने मुझे कहा था कि आप बहुत अनहेल्दी देते हैं। कई कमेंट्स आए मेरे पास कि आप अपने बच्चों को बहुत अनहेल्दी देते हैं, मगर मैंने आपको उस टाइम बताया था कि मेरी बेटी जा रही है नेहरू प्लैनेटोरियम। बच्चे जब पिकनिक पे जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें कुछ अच्छा खाने को दे दो, तो मैं रोज़ उसे अनहेल्दी नहीं देती हूँ। मैं क्या दूँ, मेरी बेटी खुद ही नहीं खाएगी, वो खुद हेल्दी खाने पर विश्वास रखती है, क्योंकि उसको बहुत रहता है कि उसका वेट ना बढ़ जाए, इसीलिए मेरे को हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्दी ही बनाना पड़ता है, और मैं ज़्यादातर उसे हेल्दी ही टिफ़िन देती हूँ। आपने बाकी सारी रेसिपी देखी होगी, ज़्यादातर सब हेल्दी होता है। रोटी सब्जी नहीं खाती है, मगर सब कुछ हेल्दी ही खाती है, और इस सब में सब्जियाँ इतनी सारी डलती है, वो सब्जियाँ उसके अंदर चली ही जाती हैं, हेल्दी ही हो जाता है सब कुछ। ये देखिए, इसे हमने पलट के अच्छे से सेक लिया है, नीचे से पहले हमने क्रिस्पी किया, फिर इसे पलट के 1 मिनट के लिए और सेक लिया, और ऊपर से डाल दिया चाट मसाला, और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, बहुत टेस्टी बनता है। आप जब इसे पैक करें तो थोड़ा ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद पैक करें ताकि ये क्रिस्पी रहे। ये देखिए, इस तरह से बीच में काट देंगे और इसे हम पैक करेंगे। ये देखिए, मैं ना इसमें इसके साथ दूंगी रेड चटनी, जो मैंने घर पर बनाई थी, आपके साथ वीडियो भी शेयर की है। इसको आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, और 10 मिनट में बन जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस चीले के साथ ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और साथ में हरी चटनी भी हो तो भी अच्छी लगती है। और देखिए, चीला हम इस तरह से पैक कर देंगे, और हमारा टिफ़िन रेडी है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।